देश में दूसरा सबसे स्वच्छ अंबिकापुर शहर अब छत्तीसगढ़ का पहला गार्बेज कैफे बनने जा रहा है। इस योजना को लागू करने के लिए बजट में प्रावधान लाया गया है, जिससे अब शहर के गरीब और घुमंतू लोगों को कचरा प्लास्टिक के बदले भोजन कराया जाएगा। इधर इस योजना को लागू कर सत्ता पक्ष अपनी पीठ थपथपा रही है, तो विपक्ष से अंबिकापुर नगर पालिक निगम के सदन में सोमवार को इस पंचवर्षीय का अंतिम बजट पेश किया गया, जो करीब 5 लाख रुपए घाटे का बजट था। लेकिन इस बजट में भी एक बार शहर को स्वच्छ रखने की मंशा नजर आई, क्योंकि अपने कार्यकाल के अंतिम बजट में सत्ताधारी दल के लोगों ने अंबिकापुर को छत्तीसगढ़ का पहला गार्बेज कैफे बनाने का प्रावधान रखा, जिसके तहत शहर में घूम घूम कर कबाड़ पन्नी बोतल बीनने वाले घुमंतू लोगों को प्लास्टिक के बदले भोजन खिलाने की तैयारी में है। बजट में दिए गए प्रावधान के मुताबिक शहर में यहां वहां बिखरे 1 किलो प्लास्टिक के बदले फुल पेट भोजन और आधा किलो प्लास्टिक कैरी बैग के बदले फुल पेट नाश्ता कराने की बात कही गई है। मैं जो भी काम ले हाजरी मजदूरी भी काम कर लेता हूं। तो अभी का डो है ये कचरा भी न थे का कचरा में का बिन लेते हां पानी बाटल पुट्ठा जो भी मिले है। तो कितना कमा लेते थे एक दिन में? 150-200 कोई ठीक नहीं। अच्छा, तो फिर एक बात अगर नगर निगम 25-50 ऐसे भी कमा लेते हैं तो जीवन चल जाए लिखना में, तो क्या कर रहे हो? चला था ना बैठ के सिफार। तो नगर निगम अभी योजना चालू करा था, 1 किलो प्लास्टिक लाई है तो दही एक खाना दही, तो ठीक तो है? ठीक तो है, ठीक है, खाना पीना देगा, कचरा भी नहींगा, लेकिन वही कर खाना पड़ी है परिवार ला, तुम बता परिवार की चिंता है मतलब। तो परिवार चलाए बर है, बूढ़ा बूढ़ी है तो परिवार चलाए बर कचरा बिन थस कहाँ वो साग सब्जी कोई कहीं भी खरीदना पड़े है, चावल दाल भी। तो कौन का कमाई से खरीदता है? का कमाई से यही बिना थे ये काम बेच देता हूँ कबाड़ में। जी नगर निगम अंबिकापुर में यहाँ के कांग्रेस के महापौर हैं डॉक्टर अजय तिर्की, जिन्होंने गार्बेज सेंटर खोलने का प्रावधान रखा है सदन में, ये एकदम ही औचित्यहीन है, क्योंकि नगर निगम अंबिकापुर पूरे देश में दूसरे पायदान पे है स्वच्छता के मामले में। और उन्होंने बोला है कि रैग पिकर्स यदि 1 किलो प्लास्टिक लाएंगे तो उनको भरपेट भोजन दिया जाएगा, और आधा किलो लेकर आएंगे तो उनको नाश्ता दिया जाएगा। जबकि मैं इतना जानता हूँ कि 1 किलो अगर कोई भी आदमी रद्दी प्लास्टिक लेके जाता है तो उसको कम से कम 20 रुपये मिलता है, जबकि डॉक्टर रमन सिंह जी की योजना सबको भरपेट चावल की है, 1 रुपये किलो अनाज देने की है, वो योजना आज भी छत्तीसगढ़ में चल रहा है, तो कोई क्यों 20 रुपये खर्च करके खाना खाने जाएगा? रेपर कैसे उठाएंगे जब अपना शहर ही स्वच्छता के मामले में दूसरे पायदान पे है, जब यहाँ पर कोई प्लास्टिक ही कोई कचरा ही नहीं उड़ता है तो कैसे कहाँ से रेपर्स मिलेगा, कहाँ से रेक पिकर्स कचरा उठा के लेके आएंगे? तो क्या लगता है योजना क्या? ये योजना एकदम पूरा पूर्णतः फेल है। आप लोग देख लीजिएगा आने वाले समय में आपको किसी भी इस टाइप के केंद्र में कोई भी रैग पिकर्स मिलेगा नहीं जाने वाला और खाना खाने वाला। जैसे कि अंबिकापुर शहर ने पहले भी सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट पे नया इनोवेटिव करके अपना नाम देश में कमाया है, और निश्चित तौर पे शहर को और प्रदेश को भी पहले नंबर पे लाया है। इसी तारतम्य में हम लोगों ने एक बजट में प्रावधान रखा था कि गरीब तबके के लोगों के लिए हम लोग फ्री खाने का एक सेंटर खोलेंगे, जिसके लिए हमने बजट में प्रावधान रखा था। फिर और उसमें एडवांसमेंट करते हुए हम लोगों ने जैसे रैक पिकर्स वगैरह जो रहते हैं उनके लिए एक नया शुरू किया है कि अगर 1 किलो रोड साइड से या कचरे वाले पॉलीथीन को रोड साइड से 1 किलो लेके आते हैं तो उन्हें फ्री भोजन दिया जाएगा, और आधा किलो अगर लेके आएंगे तो उन्हें फ्री में नाश्ता दिया जाएगा। इसको हम लोगों ने दोनों को कोऑर्डिनेट किया है कि एक स्वच्छता में भी एक नया आयाम आएगा, और शहर में जो दोपहर के समय में, क्योंकि कलेक्शन सुबह शाम होता है, बीच के समय में जो प्लास्टिक्स कुछ दिखते हैं वो भी अपने साफ हो जाएंगे। दूसरा ये हम गरीब तबके को सहायता भी कर पाएंगे। कब तक इम्प्लीमेंट किया जाएगा इसको? अभी जगह चूज करके बहुत जल्दी ही हम लोग 15 दिन में इसको शुरू कर देंगे, क्योंकि उसमें अभी सभी चीज़ें लाइनअप करनी है,
जगह से लेके सामान से लेके बर्तन से लेके सभी चीज़ें। और निश्चित तौर पे जो भी हम लोगों ने शुरुआत किया है उसको सस्टेन करने के लिए पूरे अफोर्ड किए हैं पूरे सदन ने और पूरे निगम ने और हमारे सम्मानित नागरिक और सभी निर्वाचित जनप्रतिनिधि, और मुझे लगता है कि हम लोग अच्छा काम करें। क्या लगता है सर, कब तक ये स्टैंड कब तक चलेगा ये लगता है अगर आपके द्वारा शुरू किया गया है? निश्चित तौर पे हमें अभी 4-5 महीने और इस सेशन के बचे हैं, और इलेक्शन के बाद भी भले ही जो भी रहे मुझे लगता है कि उसे लगातार करते रहेंगे।